नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ की दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है समय और दूरी, दोस्तों जिसे इंग्लिश में टाइम एंड डिस्टेंस बोला जाता है। दोस्तों, समय और दूरी पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। वो क्वेश्चन बनता है दोस्तों पीछा करने वाले प्रश्न। जैसे दोस्तों कोई चोर भाग रहा है किसी चाल से, उसका पुलिस पीछा कर रहा है, तो पुलिस दोस्तों कितने समय में उस चोर को पकड़ लेगा, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। या दोस्तों प्रश्न बनता है कोई खरगोश भाग रहा है, उसका कुत्ता पीछा कर रहा है, तो कुत्ता कितने समय में उस खरगोश को पकड़ लेगा। इस टाइप के दोस्तों पीछा करने वाले संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे। और उन प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा दोस्तों, ताकि आपको दोस्तों इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की भी जरूरत न पड़े। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पीछा करने वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है बिना पेन उठाए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे पहले समझ लीजिए। प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया जाता है। कितने घंटे बाद वह पकड़ लिया जाएगा? दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान मेथड बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको लगा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पेन भी आपको नहीं उठाने की जरूरत है, बस एक बार समझिए। समझना क्या है, क्वेश्चन समझ गए तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस देख लेंगे दोस्तों कि दोनों के बीच की दूरी कितना है और दोस्तों क्या है उसकी चाल कितना है। दूरी को हम चाल से भाग कर देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है, वही आपको बताना है। देखिए देखिए, वहां पे समझ लीजिए, पहले हमें निकालना है दूरी। तो प्रश्न पहले समझ लीजिए, एक चोर है दोस्तों 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता कब चलता है, 3 बजे चलने पर उसका पीछा कितने किलोमीटर प्रति घंटा से किया जाता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से किया जाता है। कितने घंटे बाद वह पकड़ लिया जाएगा? तो दोस्तों, जब उसका चोरी का पता चलता है, वो कितने बजे चोरी करता है, 12 बजे करता है, और चोरी का पता कितने बजे चलता है, ये चीज नोट करिए, दिमाग में सोचिए। तो यहां पे लिखा है 3 बजे, 3 बजे ना पता चलता है चोरी का, और कितने की रफ्तार से वो भाग रहा है दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो 12 से 3 बजे तक कितने घंटे हुए, 3 घंटे हुए ना, 3 घंटे में वो कितना दूरी चल गया होगा दोस्तों, कितना दूरी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो 3 घंटे में 6 × 3 = 18 यानी कि 60 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर। तो कितना दूरी चल दिया दोस्तों, 180 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लिया है। अब दोस्तों इसके बाद क्या किया जाता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब हम निकालेंगे दोनों चालों के बीच अंतर कितना है दोस्तों। एक तो ये जो चोर भाग रहा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है, और उसका पुलिस का मान लीजिए या कोई आदमी पीछा कर रहा है, कितने की रफ्तार से कर रहा है दोस्तों, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कर रहा है। तो ये कितना ज़्यादा रफ्तार से कर रहा है, ज़्यादा रफ्तार से करेगा तभी पकड़ेगा चोर को, ठीक है, कम रफ्तार से करेगा तब तो नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन ये जब चोर 60 की रफ्तार से भाग रहा है और जो पीछा कर रहा है आदमी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो कितना अधिक जा रहा है दोस्तों, तो 60 से 80 कितना अधिक उसका रफ्तार है, 20 की अधिक रफ्तार है ना, तो 180/20, बस इतना करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ जाएगा। समझिएगा एक बार, बस क्या करना है, उनके बीच की दूरी निकाल लेंगे, कितने उनके बीच की दूरी है। तो उनके बीच की दूरी हम निकाल लिए दोस्तों, 12 बजे कार चुराया और 3 बजे पता चला या और 60 की रफ्तार से भाग रहा है, तो 60 × 3 किए तो 180 किलोमीटर, यानी कि वो दूरी तय कर लिया है। और उसका 3 बजे जब पता चला तो उसका पीछा किया गया पुलिस द्वारा, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया गया, ठीक है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा चोर की दोस्तों कितना रफ्तार थी, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक रफ्तार से उसका पीछा किया जा रहा है। तो कितने घंटे में पकड़ लिया जाएगा, तो 180/20, बस इतना करेंगे और आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटा लेंगे और 2 से 18 कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों इसको, 9 घंटे बाद यानी कि पकड़ लिया जाएगा। तो 9 घंटे देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। पेपर में आएगा
तो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एक बार और समझिए, देखिए दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्या देखना रहता है, कभी भी इस टाइप का प्रश्न आए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। जब देख लीजिए इसमें इन दोनों के बीच की दूरी देख लेंगे और दोनों चालों का अंतर से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए प्रश्न एक बार और समझा देता हूँ, एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। एक चोर 12 बजे एक कार चुरा कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है, ठीक है। चोरी का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया जाता है, कितने घंटे बाद वह पकड़ लिया जाएगा, यह प्रश्न पूछ रहा है ना। तो इसके लिए कुछ नहीं, 12 बजे चोरी किया और कितने बजे पता चला, 3 बजे, और उसकी रफ्तार क्या थी, 60 की रफ्तार थी, तो 3 घंटे में वो कितना किलोमीटर चला जाएगा, तो 60 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर। 60 × 3 मतलब 180 किलोमीटर की वो दूरी आगे निकल चुका है। और दोस्तों उसकी रफ्तार क्या है, जो पीछा कर रहा है उसकी रफ्तार 80 है और चोर की रफ्तार 60 है, तो कितना अधिक रफ्तार से पीछा कर रहा है, 20 किलोमीटर अधिक रफ्तार से, तो इसी 20 से हम क्या करेंगे दोस्तों, भाग कर देंगे। हमें निकालना है ना कितने घंटे बाद वह पकड़ लिया जाएगा, समय ही तो निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी तो ये आपका हो गया 180 और चाल उसका क्या हो गया, 20 हो गया, तो 180 को जब 20 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 18 कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 घंटे बाद वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वह पकड़ लिया जाएगा 9 घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, अब पेपर में आएगा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से सॉल्व जरूर कर लेंगे। आइए दोस्तों आपको बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपके लिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छी ईबुक है उसके बारे में बता दूं, उसके बाद समझाता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये ईबुक है पंचम पब्लिशर की ईबुक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी ईबुक है दोस्तों, आपके जो भी आगामी परीक्षा होने वाले हैं दोस्तों, जैसे आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस एसआई, वीडियो, लेखपाल, रेलवे, एसएससी की कोई एग्जाम या अदर कोई सा भी दोस्तों एग्जाम देंगे, तो सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण ईबुक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं। और बता दूं दोस्तों इस ईबुक में आपको क्या मिलने वाले हैं, 10 प्रैक्टिस सेट दोस्तों को मिलने वाले हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे दोस्तों इसका आंसर भी दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। और प्लस दोस्तों इसके साथ 10 वन लाइनर सेट मिलेगा, वन लाइनर सेट का मतलब क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों अगर आपके परीक्षा में 1 से 2 दिन का भी टाइम है तो इस ईबुक को दोस्तों जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में काफी फायदेमंद सिद्ध होगी। दोस्तों क्वेश्चन कहां से है, तो साइंस के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन दिए गए हैं, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत ₹150 रखी थी, लेकिन मेरे कहने पे दोस्तों ये ईबुक आपको मात्र ₹25 में मिल जाएगी। दोस्तों इस ईबुक को आप ले कहां से सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप कहीं से भी दोस्तों इस ईबुक को मात्र ₹25 में ले सकते हैं। दोस्तों ये ईबुक है पीडीएफ नोट्स की तरह है, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड होगी और आप इसे मोबाइल में ही पढ़ सकेंगे। दोस्तों ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी, इसलिए दोस्तों आप इसे डाउनलोड करके ही पढ़ेंगे। दोस्तों अगर जो डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो नीचे दोस्तों यहां पे देख रहे होंगे पंचम पब्लिशर का नंबर दिया गया है 8115800488, इस नंबर पे कॉल करके आप पंचम पब्लिशर से बात भी कर सकते हैं। दोस्तों इस ईबुक को मैं खुद देखा हूं, मेरे देखने में बहुत ही अच्छी ईबुक है, इसलिए दोस्तों आप परीक्षा से पहले एक बार लेके जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी फायदेमंद सिद्ध होगा। तो दोस्तों आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस टाइप के भी प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सिर्फ पिछला जो प्रश्न देखे सेम उसी पैटर्न से इसे भी सॉल्व करेंगे, बिना पेन उठाए, बिना कुछ भी किए, मात्र कुछ ही सेकंड में। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले बताता हूं, पहले प्रश्न को समझ लीजिए, प्रश्न जब समझ लेंगे तो अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। प्रश्न देखिए कह रहा है एक खरगोश एक कुत्ता से 500 मीटर की दूरी पर है, कितना दूरी पर है दोस्तों, 500 मीटर की दूरी पर है। खरगोश कुत्ता को देखकर 100 मीटर प्रति मिनट की चाल से भागता है तथा कुत्ता उसे 120 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसका पीछा करता है, वह खरगोश कितने मिनट बाद पकड़ लिया जाएगा। तो दोस्तों बस इसमें समझे क्या, प्रश्न में समझे क्या दोस्तों, जो खरगोश है वो कुत्ता से कितना आगे है, 500 मीटर आगे है। और दोस्तों खरगोश क्या है, खरगोश कुत्ता को देखकर कितने की रफ्तार से जाता है, यानी कि कितने की चाल से जाता है दोस्तों, तो 100 मीटर प्रति
मिनट की चाल से भागता है, 100 मीटर प्रति मिनट की चाल से भागता है, और तथा कुत्ता 120 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसका पीछा करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में समझने से एक फायदा मिला होगा, क्या चीज सीखने को मिला, जो पीछा जो करता है ना उसकी चाल कभी भी ज्यादा रहेगी, उसकी चाल क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। खरगोश की 100 मीटर प्रति मिनट है तो कुत्ते की क्या है, 120 मीटर प्रति मिनट है। क्यों पकड़ लेगा, क्योंकि इसकी चाल ज्यादा है, इसकी चाल अगर जो बराबर भी रहेगी तो नहीं पकड़ पाएगा, 500 मीटर की दूरी बनी रहेगी, कम रहेगी तो उसकी दूरी ज्यादा बढ़ने लगेगी, इसलिए दोस्तों इसकी चाल क्या होती है, अधिक होती है। तो इसलिए दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, दोनों के बीच की दूरी कितना है बस यही आपको बताना है। देखिए, एक खरगोश एक कुत्ता से 500 मीटर की दूरी पर है, उन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 500 मीटर है, तो 500 मीटर लिख लेंगे। और दोस्तों दोनों की चालों में अंतर क्या है, यही चीज करना है, और बटा क्या कर देना है, दोनों के चालों का अंतर, कुछ नहीं करना है, दोनों के चालों का अंतर क्या है, ये 100 मीटर प्रति मिनट की चाल से जा रहा है, ये 120 मीटर की, तो क्या करेंगे, अंतर कैसे निकालते हैं, बड़े वाले में से छोटे को घटा देते हैं, 120 में से जब आप 100 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 में से आप 100 घटाएंगे तो क्या आएगा, 20 ही तो आएगा ना, तो इसी 20 से क्या करेंगे दोस्तों, 500 को भाग कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना होता है। देखिए, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, 50 कट जाएगा, कितने बार में, 25 बार में, तो 25 मिनट में वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो खरगोश पकड़ लिया जाएगा, कुत्ते उसे क्या करेगा दोस्तों, कुत्ता वो जो है वो 25 मिनट में खरगोश को पकड़ लेगा। 25 मिनट किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार और बता देता हूँ दोस्तों, इसके लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, बिना पेन उठाए सॉल्व कैसे किया जाता है, एक खरगोश है कुत्ता से 500 मीटर की दूरी पर है, खरगोश कुत्ता को देखकर 100 मीटर प्रति मिनट की चाल से भागता है, तथा कुत्ता उसे 120 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसका पीछा करता है, वह खरगोश कितने मिनट बाद पकड़ लिया जाएगा। तो इसमें आपको पेन उठाने की क्यों जरूरत नहीं है, देखिए दूरी देखेंगे कितना है, 500 है, ठीक है, और उनके जो चालों का अंतर है दोस्तों वो कितना है, चालों का अंतर 100 मीटर प्रति मिनट, तो खरगोश भागता है लेकिन कुत्ता उसका 120 मीटर प्रति मिनट, तो 20 मीटर क्या है दोस्तों, अधिक की स्पीड से चल रहा है ना कुत्ता, तो इसी 20 से 500 को भाग कर देंगे, कुछ भी नहीं करना है, आप ओरल ही कर सकते हैं दोस्तों, बस इतना ही, 500 बटा क्या लिखना है, 20 लिखना है, आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 50 कितने बार में जाएगा, 25 बार में, तो यही 25 मिनट में क्या हो जाएगा दोस्तों, वो खरगोश पकड़ लिया जाएगा कुत्ते द्वारा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, पेपर में आएगा तो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, अगर जो दोस्तों आपको किसी टॉपिक में चैप्टर में आप वीक हैं तो नीचे दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, वो भी आपका चैप्टर मैं बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा और बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाने दूंगा, ताकि आप किसी भी पेपर में अच्छे से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन और है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में जरूर करा दूंगा। तो दोस्तों अगर जो आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा, लाइक वाला सिंबल ऐसे बना होगा यहाँ पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, शेयर वाला सिंबल ऐसे होगा दोस्तों यहाँ पे प्रेस करके इस वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज़ की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो नीचे दोस्तों रेड कलर के स्टेप से सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, आप यहाँ पे क्लिक करके चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए दोस्तों, और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, बेल आइकन पर प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, तो बेल आइकन ऐसे दिखने लगेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन है, ये ऑन रहेगी तभी आपको सारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन मिलेगी, तो इसलिए दोस्तों इस बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियो की डेली नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाए। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।